हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम टेस्टी और चटपटा मैक्सिकन राइस बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बनाना शुरू करते हैं मैक्सिकन राइस। 250 ml कप का मैं आपसे 1.5 कप बासमती चावल लिया है। इसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया था और आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा है। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नॉर्मल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा को लाइट ब्राउन भून लेते हैं। जीरा लाइट ब्राउन हो गया है, 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, लहसुन को लाइटली भून लेते हैं। 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के लिया है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चला के प्याज को भून लेते हैं। प्याज का पानी सूख जाए उतना ही हमें भूनना है, प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, इसका पानी भी सूख गया है। चावल में से मैंने पानी निकाल दिया है, ये चावल डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चला के चावल को भुनेंगे और चावल को हल्का हाथ से चलाना है, क्योंकि चावल हमने भिगोए हैं तो इसका दाना जो है वो टूटना नहीं चाहिए। चावल को अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है और आप देख सकते हैं एकदम ड्राई हो गया है। गैस के फ्लेम धीमी रखेंगे। 1/2 कप हरा कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम का मैंने मीडियम डाइस किया है। 1/2 कप लाल कैप्सिकम, 1/2 कप पीला कैप्सिकम, अच्छे से चला लेंगे। इसे हमें एकदम हल्के हाथ से ही चलाना है। आपके पास अगर लाल कैप्सिकम और पीला कैप्सिकम नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ हरा कैप्सिकम डाल के भी बना सकते हैं। 1/2 कप रेडीमेड टमाटो प्यूरी डालेंगे। आपके पास अगर रेडीमेड टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप 2 से 3 टमाटर को ब्लांच करके इसकी प्यूरी बना के डाल सकते हैं। 2 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ओरिगानो, 1 टीस्पून मैक्सिकन सीजनिंग। अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं, मेरे पास ये था तो मैंने डाल दिया है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से चला लेंगे। मैं इसमें फ्रोजन मटर डालूंगी, तो मटर अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप कच्चे मटर डाल रहे हैं तो इस टाइम पे 1/2 कप फ्रेश मटर डाल देना है। रेडीमेड टमाटो प्यूरी डालने से राइस का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, एकदम लाल कलर का राइस बनेगा, इसलिए मैंने रेडीमेड टमाटो प्यूरी डाली है। हमने 1.5 कप चावल लिया है तो हमें 3 कप पानी डालना है, लेकिन टमाटो प्यूरी भी डाली है और वेजिटेबल्स आएगा तो इसके लिए मैं इसमें 2.5 कप पानी डाल रही हूँ। और पानी मैंने एकदम तेज गर्म कर दिया है ताकि चावल जो है वो जल्दी से कुक हो जाए। हल्के हाथ से चलाएंगे। चावल में एक बॉईल आ गया है, गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसे खुला ही कुक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे मैंने 5 से 6 मिनट कुक किया है और आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सूख गया है, अभी एकदम थोड़ा पानी ही अंदर बचा है। इसमें 1/2 कप फ्रोजन मटर डालेंगे। राजमा को मैंने उबाल के लिया है, ये 1/2 कप उबला हुआ राजमा, 1/2 कप उबला हुआ कॉर्न, 2 छोटा हरा प्याज को काट के लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। राइस अभी 80% जितना कुक हो गया है और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी बाकी है। ढक्कन लगा के इसे 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे कुक करेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि पानी एकदम सूख गया है तो एकदम उबलता हुआ पानी आप 2 से 3 टेबलस्पून डाल के इसे कुक कर सकते हैं। मैंने इसे टेस्ट किया है तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, तो मैं 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल रही हूँ। आप पहले टेस्ट कर ले और फिर बाद में नमक डालें। नमक हमने डाला है तो मैं 1 से 2 टेबलस्पून जितना गर्म पानी डालूंगी और एकदम हल्के हाथ से चलाएंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे कुक करेंगे, चावल का दाना एकदम कुक हो जाएगा। तब तक धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट कुक किया है, चावल में जो हमने पानी डाला था वो भी सूख गया है और चावल का दाना भी बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे।
ढक्कन लगा के इसे 4 से 5 मिनट रखेंगे, फिर बाद में इसे सर्व करेंगे। मैक्सिकन राइस को सर्विंग डिश में निकाल के इसके ऊपर बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा प्याज से इसे मैंने गार्निश किया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।